your rear mirror when you drive. 5 lakh rupees. Books, periodicals, latest national and international e-journals, 8,965 e-books and e-journals in various subjects. Adequate reprographic and eligibility under UGC in FlipNet are available in the university. वर्गीय जी तथा इंदौर शहर के माननीय महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी भी इस महनीय समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं। मैं करने की कृपया अनुमति प्रदान करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने कर्तव्य पालन में मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हित मैं अपने देश की स्वतंत्रता विज्ञान संकाय के दुबे एमएससी भौतिक का कुमारी निशा जशनानी बीएससी घोषणा करता हूं कि वे इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान कर आलोचित करने की कृपा करें। सभी उपस्थित छात्र छात्राओं के निवेदन है कि स्वर्ण पदक प्राप्त कर
किशोर पवार दो स्वर्ण पदक कुमारी स्वाति वर्मा बीए संस्कृत में दो स्वर्ण पदक कुमारी दीपिका जैन एमए हिंदी साहित्य में श्रीमती मधु कावड़िया एमए संस्कृत साहित्य में श्रीमती जूली व्यास एमए चित्रण एवं चित्रकला में रूपाली सोनी एमए कंठ संगीत कुमारी ज्योति यादव बीए हिंदी साहित्य श्री रामराज यादव गवर्नर मध्य प्रदेश आई एम इंडीड हैप्पी टू बी प्रेजेंट एट इट्स यू दिस आफ्टरनून इन कनेक्शन विद द कॉन्वोकेशन टू सेलिब्रेट the golden jubilee of this university. Established in 1964, 50 years ago, when the number of universities, especially outside the metropolitan cities, were very few, this university started its journey to achieve the objective of higher learning for the people of this tribal infested area. The university is associated with the hallowed memory of Devi Ahilyabai, a very distinguished ruler whose name and contribution and more so, her concept of rulership will ever be remembered. इस मुझे राष्ट्रपति के हाथों मेडल मिला है, इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ. हमारे यहाँ आर्थिक समस्याओं का तो सामना करना पड़ा हमें पढ़ाई के दौरान, फिर भी हमारे यहाँ पापा ने बालिका शिक्षा को महत्व देते हुए हमें ही पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमें पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया है. और अभी मैं एक वर्तमान में एमएस राजपुर में प्राइवेट नहीं होने के कारण अंग्रेजी साहित्य से तो मुझे अभी स्वाध्यायी छात्रा के रूप में अध्ययन करना पड़ रहा है. और मेरे पापा मुझे पूरी तरह सहयोग करते हैं, आर्थिक परेशानियां भले ही हो लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी कसर नहीं छोड़ी. मेरे पापा अभी जब तक गवर्नमेंट शासकीय माध्यमिक विद्यालय साली में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत थे पूर्व, लेकिन अभी फिलहाल ही एक महीने पूर्व ही उनका नियमितीकरण हुआ है. तो दैनिक वेतन भोगी होने के नाते हमें बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना कर